गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल पैशन अड्डा दिस इज निकिता मलिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम जनरल क्वेश्चन सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन सो एज़ यू कैन सी इन द स्क्रीन अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वैन इज़ अर्थ डे सेलिब्रेटेड सो जैसे आप कुछ बच्चों को आइडिया होगा कि कब होता है तो इसका करेक्ट आंसर है ट्वेंटी टू अप्रैल सो so, एज़ यू कैन सी एवं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो सो द फुल फॉर्म ऑफ इसरोज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अब ये कब स्टेब्लिश हुआ था इट वॉज फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन सिक्सटी नाइन एंड इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं बेंगलोर में और यहाँ पर जो फर्स्ट मिशन था वो कब हेल्ड हुआ था नाइनटीन अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी फाइव और फर्स्ट मिशन था क्या इट वॉज़ आर्यभट्टा स्पेस क्राफ्ट एंड हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ही वॉज एस सोमनाथ सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी साइड्स डज अ पेंटागेन हैव सो जैसे आपको पिक्चर दिख रही होगी आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके कितनी साइड्स हैं सो येस द करेक्ट आंसर इज इट हैज फाइव साइड्स सो अवर फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है तो ये सिचुएटेड कहाँ पे है तो जब जो, जो हमारा आंसर है वो है जिनेवा विच इज़ इन स्विट्ज़रलैंड तो जैसे आपको पता होगा कि कब स्टैब्लिश हुआ था इट वॉज स्टैब्लिश इन सेवेंथ अप्रैल नाइनटीन और इसका काम क्या होता है ये बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे जो सिनेरियो है वो देखता है ठीक है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड अवर करंट डायरेक्टर जनरल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है वो है डॉक्टर टेड्रोस ठीक है सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इट इज़ नेम अ ग्राफ दैट शोज डाटा इन इंटरवल्स तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो बार ग्राफ की इसमें आपको जो डाटा दिख रहे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे बने हुए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिस्टोग्राम ठीक है सो so, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज़ नेम द स्टेट दैट हैज़ लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन इन इंडिया तो यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा नीचे उसमें आप देख सकते हो गुजरात का एरिया जो दिख रहा है आपको वो कहाँ से कहाँ तक उसकी कॉस्ट लाइन देखो कितनी लंबी है और कितनी ज़्यादा दूर तक फैली हुई है तो आप आइडिया लगा सकते हो इसका आंसर क्या होगा येस yes, एग्जैक्टली exactly, गुजरात यहाँ पे आप नीचे जो अरेबियन सी है वो देख सकते हो उससे सराउंडेड है वो पूरा ठीक है और जो आपको ये जो हमारा सेकेंड जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो कौन से स्टेट तक मतलब कौन से स्टेट में है तो वो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना मुझे ठीक है नहीं तो आगे जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें आपको उसका करेक्ट आंसर बता दूंगी सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सेवेंथ दैट इज़ वॉट डज फोर जी मीन्स सो बेसिकली इसका आंसर है फोर्थ जनरेशन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ इसमें जो हमारा फोर्थ जनरेशन है इट वॉज स्टार्टेड अराउंड नाइनटीन सेवेंटी वन एंड इट वॉज एंडेड नियर बाई नाइनटीन एटीज़ जो हमारा ये जनरेशन फिफ्थ जनरेशन, इट इज़ इट इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम नाइनटीन एटीज़ एंड इट इज स्टिल सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर एट वो है हु इज़ द कंपोजर ऑफ इंडियन नेशनल सॉन्ग सो इसका करेक्ट आंसर है चंद्र चटर्जी तो इनकी जो बर्थ डेट थी वो थी ट्वेंटी सेवेंथ जून एटीन थर्टी एट एंड जो इनकी डेथ डेट थी डैट वाज एट अप्रैल एटीन नाइन्टी फोर सो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम एंड आप अब आप हमें बताएंगे दैट व्हेन वाज इट अप्रूव बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताना ठीक है हम हर एक कमेंट सेक्शन देखेंगे हर एक का कमेंट देखेंगे सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर नाइनथ दैट इज़

सो आवर करेक्ट आंसर इज कंचन जंगा ओके सो इसकी जो हाईस्ट ये एक हाइएस्ट पीक है और ये कितनी मीटर है वो बताती हूँ मैं आपको इट वॉ इट इज़ एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी सिक्स मीटर लॉन्ग थैंक यू सो होप आप सब होप्सू so, आप सबको इस वीडियो अच्छी लगी होंगी सो लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स बताने जैसे आपको पता है एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और एक बात और हम आपके लिए जो कम्युनिटी है वो ओपन कर देंगे तो आप उसमें जाके या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और कैसे क्वेश्चंस चाहिए आप बता देना हम उसके ऊपर आगे आने वाली वीडियोज हम उसके ऊपर डाला करेंगे सो थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे